वो बहुत अच्छा जो है साइकिल चला सकता है। तो वो फुली कॉन्फिडेंट है कि बेशक ट्रक इतना बड़ा है, इतनी से जगह से भी मैं साइकिल में चढ़ के भी उसको निकाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक जो है वो हाफ ऑफ कॉन्फिडेंट है, तो वो ये सोच रहा है कि मैं साथ में अपना पैर भी यूज करूंगा, फिर धीरे धीरे साइकिल को वहां से निकालूंगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला जो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कहते हैं हाथ में भी साइकिल लेके पैदल ही निकलूंगा उसके पास, अगर चढ़ के निकला तो गिर सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी कौन सी सिचुएशन है उसमें? ठीक है, बैलेंस ऑफ द बॉडी का मतलब ये है, बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स, तो बॉडी के जो इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स है उसको भी वो कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ब्रेन का उसके साथ भी कनेक्शन है। ठीक है, ऐसा तो हम कहते हैं ना कि हार्ट हमारा मायोजेनिक है, ऑटोनॉमिक है नेचर में, पर ऐसा नहीं है कि हार्ट जो है पेशेंट 90% अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, पर कहीं ना कहीं ब्रेन जो है वो हर किसी के ऊपर है। ठीक है, तो लंग्स की फंक्शनिंग है, चाहे किडनीज की फंक्शनिंग है, तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। फिर देखो थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन मीन्स कि व्हेन डिफरेंट सीजंस कम यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। ठीक है, ऐसे नहीं है कि समर का टाइम है तो एक स्टूडेंट जो है वो स्वेटर पहन के आता रहेगा, फिर भी कुछ नहीं होगा उसको। ठीक है, ये ऑब्वियस है कि जब समर सीजन आ जाना है तो हमने स्वेटर अपने आप ही उतार लेना है, हमें पता लग जाना है, तो एक काइंड ऑफ फीलिंग हमारे अंदर आ जानी है। ठीक है बेटे, हंगर एंड थ्रस्ट से रिलेटेड, हमें कब भूख लगती है, कब हमें प्यास लगती है, ये सारी चीजें। ठीक है, बॉडी का 24 आवर क्लॉक जिसे हम कहते हैं, देखो हर एक स्टूडेंट का 24 आवर क्लॉक अपना अपना है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स यू कैन से थ्रू आउट द नाइट फॉर स्टडी। ठीक है, कुछ बच्चे रात के समय ही पढ़ेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको 9 बजे से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं, उसके बाद उनको मतलब नींद आई जाती है, तो वो दिन में पढ़ने वाले हैं, दे हैव टू कंप्लीट मोर और मोर कोर्स इन डे टाइम। ठीक है, हर एक जो स्टूडेंट है ना, हर एक पर्सन का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है। ठीक है, कुछ सुबह नहीं उठ पाते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो एक्टिविटीज ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, सभी बच्चों को मालूम है, और हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए क्या सेंड करता है, फैक्टर सेंड करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इट डायरेक्ट्स अदर ग्लैंड्स टू सीक्रेट देयर रिस्पेक्टिव हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनकी फंक्शनिंग को ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है, ब्रेन के अंदर ऐसे सेंटर प्रेजेंट है जो अलग अलग तरह की ह्यूमन फीलिंग्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, व्हेन यू विजिट सम फंक्शन ऑलवेज यू हैव अ जॉयफुल फीलिंग इन योर माइंड। ठीक है, कोई अच्छी सी जगह पे आप पहुंचे हैं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, फंक्शन में गए हुए हैं तो आप खुश होंगे, वहां पे रोने नहीं लग जाएंगे, कोई सैड फीलिंग वाली जगह पे गए हैं तो वहां पे हंसेंगे नहीं, बिकॉज सारे लोग वहां पे सैड बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर हंसने लगेंगे तो फिर अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो इस टाइप की फीलिंग्स जो है वो कहते हैं उससे रिलेटेड, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी पर्सन जो आपके अगेंस्ट हो रहा है तो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी उसके लिए, ये ऑब्वियस है। उसके बाद देखिए, इट इज ऑल्सो द साइड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स। ठीक है, सारा कुछ प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर, आप किसी को देखते हैं, उन चीजों को आप पहचान जाते हैं। ठीक है, हियरिंग, आपको कुछ लोगों की आवाजें जो है वो नो है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन अ रूम एंड इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट चली जाती है, तब भी आपके फ्रेंड्स आपके साथ बैठे हैं, तो अगर वो बोल रहे हैं तो आपको पता है उसके बेसिस पे कि ये इसकी आवाज है मुस्कान की और ये यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद स्पीच से रिलेटेड जो है मेमोरी, आप लोगों को इंसिडेंसेस को याद रख सकते हैं। ओके, इंटेलिजेंस भी अपना अपना है हर एक का, आईक्यू लेवल जिसे हम कहते हैं। तो उसके बाद देखो इमोशंस एंड थॉट्स, किस टाइम पे आपके अंदर कैसे इमोशन डेवलप होने हैं, किस टाइम की आपके अंदर थॉट्स आने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एट द स्टेज ऑफ एडोलेसेंट, नेचुरली यू थिंक अबाउट योर सेल्फ दैट आई एम द ब्यूटीफुल वन। ठीक है, ये नेचुरल है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि अलग अलग टाइम पे हमारे अंदर अलग अलग तरह के थॉट्स डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कुछ भी देखने गए हैं, जैसे कोई ड्रामा देखने गए हैं, तो कुछ टाइम पे हमें लगता होता है कि हाँ ये भी अच्छी चीज है, हम भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब बेशक थोड़े से टाइम के लिए हम अपने आप को एक एक्टर के फॉर्म में महसूस करते हैं, पर रियल में होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अब हम उसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ह्यूमन ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन है, सो इट इज वेल प्रोटेक्टेड इन साइड द स्कल। ठीक है, स्कल जैसे हम क्रेनियम भी कहते हैं, तो इन साइड द स्कल ब्रेन हैज 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर्स हैं स्कल के अंदर जो कि इसको कवर करके रखती है, आपके ब्रेन को कवर करके रखती है। तो सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो है
ठीक है आपके क्रेनियल की। देखो तीनों को कलेक्टिव में क्रेनियल मेनिंजेस कहा जाता है और आउटर लेयर जो है उसको क्या बोला गया है ड्यूरा मैटर बोला गया। उसके बाद नेक्स्ट ड्यूरा मैटर मिडल लेयर इज देयर दैट इज नोन एज आर्टेरियोल। उसके बाद देखो इनर लेयर जो कि सबसे क्लोज है ब्रेन के इन मोस्ट लेयर दैट इज नोन एज पिया मैटर ठीक है पाई मैटर जो मर्जी कह लीजिए। उसके बाद ब्रेन जो है उसको कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड मिड ब्रेन ठीक है बेटे। तीनों में से मिड ब्रेन का पोर्शन बहुत ही कम है और फोर ब्रेन सबसे ज्यादा जो है ब्रेन का पोर्शन जो है उसको ऑक्यूपाई करता है। फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स है सेरेब्रम उसके बाद थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस ओके बेटे। सेरेब्रम की अगर बात करेंगे तो सेरेब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और काफी सारा फोर ब्रेन का जो है पार्ट जो है वो सेरेब्रम के रूप में आपको दिखाई देता है। और सेरेब्रम जो है ठीक बेटे उसके सेंटर में से वो कहते हैं कि नर्व फाइबर्स का एक ट्रैक है जिसने सेरेब्रम जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सेरेब्रम का वो वाला पार्ट दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज नोन एज लेफ्ट सेंट्रल हेमिस्फीयर एंड दैट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड इट इज नोन एज राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड द लेयर ऑफ सेल्स जिसने की नर्व ऑफ जिसे आप कह सकते हो नर्व फाइबर्स जिसने सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड किया है टू पार्ट्स में उसको बोला गया है कॉर्पस कैलोसम ओके स्टूडेंट्स। अब कहते हैं कि ब्रेन जो है उसमें फोर ब्रेन सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना तो फोर ब्रेन में सेरेब्रम सबसे पहला पार्ट है। तो सेरेब्रम की अगर बात करें तो उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर है सेरेब्रम की ठीक है बेटे उसको सेरेब्रम कॉर्टेक्स कहते हैं हम। और सेरेब्रम कॉर्टेक्स हमें कैसी नजर आती है फोल्ड्स की फॉर्म में है। देखो मेरी तरफ ऐसे फोल्ड है उसके ऐसे ऐसे इस तरह से फोल्ड है ठीक है। तो इसके अलावा वो कहते हैं कि ये फोल्ड जो है फोल्डेड पोर्शन जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के ये आपको कलर में कैसे नजर आती है ग्रे कलर में नजर आते हैं। तो टेंथ में भी बताया था ये ग्रे कलर के इसलिए हमें नजर आते हैं क्योंकि वहां पे न्यूरॉन्स जो है वो डेंसली पैक्ड है ठीक है द न्यूरॉन्स दे आर द डेंसली पैक्ड इसीलिए सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वो वाला जो पार्ट है जो हाईली फोल्डेड है उसको ग्रे मैटर भी बोला गया ठीक है। मैटर के स्पेलिंग यहाँ पे एम ए डबल टी ई आर नहीं है एम ए टी ई आर है ठीक है ग्रे मैटर क्या हुआ। उसके बाद देखो फिर देखो न्यूरॉन्स वहां पे डेंसली पैक्ड है ये आपको मैंने बताया था। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है तो देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो इसमें इंपॉर्टेंट एरिया सारे प्रेजेंट है ठीक है मोटर एरियाज है सेंसरी एरियाज है ठीक है। मोटर एरियाज वो होंगे जहां से मोटर न्यूरॉन्स जो है वो ओरिजिनेट होने या सेंसरी एरियाज वो है जहां सेंसरी न्यूरॉन्स आके जिस एरिया पे कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ना तो मोटर है और ना ही सेंसरी है उनको एसोसिएशन एरियाज बोला गया है यानी मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स जो है उनको आपस में कनेक्ट करते हैं ओके बेटे। इसके अलावा कहते हैं कि और भी कई इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे रेगुलेट होते हैं जैसे कि मेमोरी है कम्युनिकेशन है ठीक है कम्युनिकेट करना है किसी से। फिर उसके बाद ये तो क्या सेरेब्रल कॉर्टेक्स का सेरेब्रल कॉर्टेक्स से थोड़ा सा अंदर बढ़ेंगे तो सेरेब्रल मेडुला आ जाता है। सेरेब्रल मेडुला जो है उसको व्हाइट मैटर भी कहते हैं और व्हाइट मैटर उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे जो न्यूरॉन्स है वो लूजली पैक्ड है ठीक है डेंसली पैक्ड न्यूरॉन नहीं है लूजली पैक्ड न्यूरॉन है। पर एक खास चीज है वो न्यूरॉन्स जो है उनके आसपास माइलिन शीट प्रेजेंट है यानी वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है। और अगर वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है ठीक है तो आपको बताया था ना कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं नर्व इंपल्स का कंडक्शन फास्टली करते हैं ओके बेटे। उसके बाद देखो व्हाइट मैटर जो है उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो कहते हैं कि सेरेब्रम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सेरेब्रम जो है उसके एग्जैक्टली नीचे हमें छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आता है दैट इज नोन एज थैलेमस। तो आप ये कह सकते हैं कि सेरेब्रम इट पास ओवर दैट स्ट्रक्चर नोन एज थैलेमस ओके बेटे। तो थैलेमस जो है वहां पे वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटर प्रेजेंट है वहां पे कनेक्ट किया जाता है मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स को आपस में ठीक है। जैसे सेंसरी न्यूरॉन कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं क्या इन्फॉर्मेशन लेके आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यू हैव टच द हॉट ऑब्जेक्ट ये सेंसरी न्यूरॉन लेके आए मैसेज। अब मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज आगे क्या लेके जाएंगे कि यू मस्ट हैव टू रिमूव योर हैंड अनलेस यू गेट बर्न्ड ओके। तो इस तरह से उसके बाद देखो थैलेमस जो है उसके बाद कहते हैं कि ब्रेन का जो पार्ट है उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं और ये मान लीजिए कि वो बेस पे प्रेजेंट है थैलेमस के ठीक है। हाइपोथैलेमस नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है
उसमें से देखो कई सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन तो उसने सिक्रेट करना ही है, ठीक है, और इसके अलावा जो है कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड सिग्नल्स भी यहीं से आते हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जो है आपका किस तरह का है, वो सारी चीजें, हार्ट टू फॉर ईटिंग, आपको खाने की इच्छा हो रही है, तो देखो हर एक पर्सन जो उसका अपना एक टाइम पीरियड है, कौन से टाइम पे वो खाता है, कुछ 1 बजे खाना खाएंगे, कुछ 2 बजे खाएंगे, कुछ 3 बजे खाते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रूटीन, ठीक बेटे। उसके बाद कहते हैं कि ड्रिंकिंग के लिए आपके अंदर एक अंदर से आवाज आती है कि मैंने इतने टाइम से पानी नहीं पिया, तो यू मस्ट हैव टू गो, ठीक, ओके बेटे। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, बताओ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या होते थे, जो आधे न्यूरॉन होते हैं और आधे जो है न्यूरॉन्स के आगे क्या होते हैं कि ओपनिंग्स होती हैं, ओपनिंग के बाद जो भी वो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं उसको फिर वो किसमें डाल देते हैं, पोर्टल सिस्टम में डाल देते हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर डाल देते हैं, फिर लेटर ऑन वो एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए आगे कंडक्ट होती है, इस तरह के सेल्स को न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन को सेक्रेट करेंगे। इसके अलावा देखो इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा भी ब्रेन में और कई सारे सेंटर्स प्रेजेंट है, जैसे मेडिकेला है, हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड सिग्नल्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं पर्सन के अंदर, तो ये लिम्बिक लोब जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक हाइपोथैलेमस जो है इन सभी के साथ मिलती है और कई एडिशनल फंक्शन जो हमको कंट्रोल करता है, फॉर एग्जाम्पल रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल एक्साइटमेंट की फीलिंग है, ठीक है, तुम्हें कुछ बताया गया है कि ये चीज सीख रहेगा तो आप एक्साइटमेंट रहेंगे उसको जानने के लिए कि क्या सीक्रेट हो सकता है, बेशक कुछ भी ना हो। प्लेजर की फीलिंग हो रही है, बच्चों को एक ट्रिप के लिए ले जाया गया किसी जगह पे तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, चिंता होने लग जाती है, फियर होने लग जाता है, रेज की फीलिंग, फियर, मोटिवेशन, ठीक है, कोई स्टूडेंट जो है या फिर स्टूडेंट मेंबर्स को टीचर ने मोटिवेट किया है और टीचर कहते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर बच्चे को लगने लग जाते हैं हमें सब में सब कुछ कर सकता हूँ, आप अच्छे मार्क्स लेने लग जाते हैं या पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद आपको मिड ब्रेन पे आ गए। इसके अलावा देखो टेंथ में मैंने तुम्हें उसके अलग अलग जो है लोब्स भी बताए थे, ऑक्सिपिटल लोब कौन सा होता है, पैराइटल लोब है, ये सारे फोर ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो साइड के लिए है तो मैंने आपको बताए थे। उसके बाद देखो मिड ब्रेन पे आ गए हैं, तो मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड कॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, ठीक है, थैलेमस या हाइपोथैलेमस जो है उसके बाद मिड ब्रेन प्रेजेंट है और हिंड ब्रेन का जो कॉन्स वैगुलाइन वाला पार्ट है वो मिड ब्रेन की एकदम पास होता है। मिड ब्रेन जो है उसकी एक खास यहाँ पे पहचान है कि मिड ब्रेन जो है उसमें से एक केनाल जो है वो पास होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे मिड ब्रेन प्रेजेंट है। डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन इट हैज फोर राउंडेड एस्फेरिक्स विच आर नोन एज कॉर्पोरा कॉर्टेक्स एनिका, ठीक है, चार उसके अंदर लोब्स मिड ब्रेन के अंदर हमें नजर आते हैं जिनको की कॉर्पोरा कॉर्टेक्स एनिका बोला जाता है। और उसके बाद मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों मिलकर ब्रेन स्टेम जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है, मिड ब्रेन का मेन फंक्शन हमें मालूम है, मिड ब्रेन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड सिग्नल से के लिए काम करते हैं, क्लियर है यहाँ तक बस। उसके बाद हिंड ब्रेन का है, हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं आपको मालूम है, कॉर्स, सेरेब्रम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गा।